हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम होम साइंस क्लास ट्वेल्थ एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या क्या है जिनसे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे तो ये रहा हमारा सिलेबस इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि फ़ूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी होती क्या है फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग उसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फूड साइंस के बारे में फ़ूड प्रोसेसिंग के बारे में फ़ूड टेक्नोलॉजी के बारे में और फ़ूड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ़ फ़ूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे हुई उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़ूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन फूड प्रोसेसिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और फूड को प्रिजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फ़ूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एक्सटेंट के बेसिस पे यानी कि लोकेशन के बेसिस पे और टाइप ऑफ प्रोसेसिंग के बेसिस पे फूड को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है फिर हम पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर कि कैसे आप करियर प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस में करियर बनाने के लिए उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप कि आपने सारी चीज़ें कर ली आप सारी क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हो तो क्या क्या स्कोप होंगे आपके लिए इस फील्ड में ठीक है तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें जान पाओगे ठीक है तो सबसे पहले आप जानोगे कि वॉट इज़ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इट्स हिस्ट्री डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट स्टेटस फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी होता क्या है इसकी हिस्ट्री क्या थी ये डेवलप कैसे हुआ और प्रेजेंट टाइम में इसका स्टेटस क्या है उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट फिर हम फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे ठीक है आप एक्सप्लेन कर पाओगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि क्या क्या महत्व है फूड प्रोसेसिंग का और क्या इसके कुछ जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्या क्या हैं ठीक है बी अवेयर ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ प्रोफेशनल फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाओगे आप ये चीज़ जान जाओगे कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर बी अवेयर ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफ़िक करियर इन द इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री में यानि कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में जब आप करियर बनाना चाहते हो तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है इस फील्ड में करियर बनाने के लिए उसके बाद आप जानोगे द स्कोप फॉर सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट एज़ स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स। फिर उसके बाद आप ये भी जानोगे कि आप कैसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप अपना छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो आप अपना बड़े से बड़ा लार्ज स्केल पे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ठीक है उसके बाद बात करते हैं हमारे चैप्टर्स की अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि फूड आइटम्स आर बीग प्रोसेस्ड फॉर वेरियस रीजन्स अब देखो फूड आइटम्स को जो प्रोसेस किया जाता है वो बहुत कारणों की वजह से किया जाता है कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से फूड को प्रोसेस किया जाता है अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो टर्म है फूड प्रोसेसिंग ये है क्या इसका मतलब क्या होता है देखो फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है फूड को रॉ मटेरियल से डिफरेंट फॉर्म में चेंज करना ठीक है फूड की फॉर्म को चेंज करना जिससे फूड की डाइजेस्टिबिलिटी को भी हम बढ़ा सकते हैं फूड को हम डाइजेस्टिबल बना सकते हैं फूड को हम टेस्टी बना सकते हैं उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ा सकते हैं ठीक है और फूड की हम लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं उसको ख़राब होने से लंबे समय तक बचा सकते हैं जैसे उदाहरण देती हूँ जैसे मान लो गेहूँ आया ठीक है गेहूँ खेत में गेहूँ किसान ने लगा दिया गेहूँ कट के आ गया आपके घर में लेकिन आप गेहूँ को वैसे का वैसे तो यूज़ करते नहीं हो ना गेहूँ को आप डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट फूड मत, मटेरियल में कन्वर्ट करके यूज़ करते हो आप गेहूँ से मैदा बनाते हो आटा बनाते हो बिस्किट बनाते हो मतलब बना बहुत सारे आइटम्स फूड आइटम्स हम गेहूं से बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग है। ठीक है आप आटा बना के गेहूँ को क्या करते हो डाइजेस्टिबल बनाते हो खाने योग्य बनाते हो आप गेहूँ को वैसे का वैसे तो चबा नहीं सकते ना उसको डाइजेस्टिबल बनाने के लिए उसके टेस्ट को थोड़ा बढ़ाने के लिए उसको आप क्या करते हो उसका आटा बना के उसकी रोटी बना के तब खाते हो तो गेहूँ से आटा बनाना फूड प्रोसेसिंग हो गई गेहूं से बिस्किट बनाना आटे से भी बिस्किट बनाना क्या हो गई फूड प्रोसेसिंग हो गई फूड प्रोसेसिंग में आप बेसिकली इतना जान लो कि हम फूड की जो फॉर्म होती है उसको चेंज कर देते हैं फूड जो रॉ मटेरियल में हमें मिलता है एग्रीकल्चर के थ्रू उसकी फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं अब ज़रूरी नहीं कि उसकी फॉर्म को सिर्फ उसी के थ्रू हम चेंज करेंगे उसमें हम डिफरेंट फूड्स को भी मिला के चेंज करते हैं जैसे आप बिस्किट बनाते हो तो आटे को सिर्फ आटे का तो बिस्किट बना बनता नहीं है उसमें आप शुगर भी ऐड करते हो सॉल्ट भी ऐड करते हो बाकी जो भी चीज़ें हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए आप उसमें मिलाते हो ना बेकिंग सोडा मिलाते हो तो ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं बिस्किट में बिस्किट बनाते समय तो फूड प्रोसेसिंग में जो हमारा मेन फूड होता है जो मेन एग्रीकल्चरल फ़ूड होता है उसमें डिफ़रेंट और फूड्स भी मिलाए जाते हैं उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए शेल्फ़ लाइफ क्या होती है शेल्फ़ लाइफ होती है कि कब कोई खाना कितने दिन तक जिंदा रह सकता है कितने दिन तक खाने योग्य रह सकता है तो उसको फूड की शेल्फ लाइफ बोलते हैं ठीक है तो हम अब स्टार्ट करते हैं देखो चैप्टर में तो ये कहा गया है कि फूड आइटम को क्यों प्रोसेस किया जाता है इसका कोई एक रीज़न नहीं है बहुत सारे रीज़न है उसके सिंस आइटम्स इन मेमोरियल हैव बीन ड्राइड आफ्टर हार्वेस्ट टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ अब देखो बहुत पुराने समय से अनाजों को क्या किया जाता है सुखाया जाता है अनाजों को काटने के बाद हार्वेस्ट करने के बाद उसको सुखाया जाता है क्यों सुखाया जाता है ताकि उनकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया जा सके शेल्फ़ लाइफ मैंने बताया अभी क्या होता है कि कितने दिन तक आप फूड को बचा सकते हो फूड कितने दिन तक खाने योग्य रह सकता है किसी पर्सन कोई कितने दिन तक किसी फूड को यूज़ कर सकता है तो उसको फूड की शेल्फ लाइफ बोलते हैं कि फूड कितने दिन तक खाने योग्य है इनिशियली फूड्स वर प्रोसेस्ड प्राइमली टू इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी पैलेटिबिलिटी एंड टू इंश्योर अ कंटिन्यूस सप्लाई डाइजेस्टिबिलिटी तो आपको पता है क्या होता है डाइजेस्टिबिलिटी एक डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया कि डाइजेस्ट करने योग्य है कोई चीज़ पैलेटिबिलिटी होता है फूड के टेस्ट से रिलेटेड है ठीक है कि फूड टेस्टी है कि नहीं तो जो फूड को प्रोसेस करने का मेन प्राइमरी रीज़न यही होता है कि फूड की डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाया जाए कि फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाए आसानी से पच जाए फूड को थोड़ा टेस्टी बना दिया जाए और उसकी सप्लाई को भी थोड़ा सा कंटिन्यूस बना दिया जाए होता है क्या है जब आप एक फूड से डिफरेंट फूड बनाते हो ना तो उनकी मांग बढ़ जाती है ठीक है हो सकता है गेहूँ उतने लोग ना डिमांड करते हों जितना आटा लोग डिमांड करते हों ठीक है तो जितने फॉर्म में आप किसी फूड को चेंज करते जाते हो उतनी उसकी मांग बढ़ती जाती है ठीक है इन इंडिया पिकल्स मुब्बा एंड पापर््स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्व प्रोडक्ट्स मेड फ्राम सर्टन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रीन्स अब इंडिया में देखो अचार मुरब्बा पापड़ ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रिजर्व प्रोडक्ट के अब प्रिजर्व प्रोडक्ट क्या होते हैं प्रिजर्व मतलब बचा के रखना देखो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम लंबे समय तक रखते हैं लंबे समय तक यूज करते हैं उनको हम प्रिजर्व प्रोडक्ट्स बोलते हैं अब हमने मान लो वेजिटेबल से फ्रूट से अचार बना लिया मुरब्बा बना लिया ठीक है तो इनको क्या कर सकते हैं हम लंबे समय तक रख सकते हैं और इनको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और अगर वेजिटेबल अपने कच्चे फॉर्म में रहेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन दिन के बाद क्या हो जाती है ख़राब हो जाती है लेकिन अगर हम उसका अचार बना लें उसका मुरब्बा बना लें तो हम उसका टेस्ट भी बदल दे रहे हैं और हम उसको लंबे समय तक बचा के भी रख पा रहे हैं है ना और फिर वो डाइजस्टिबल भी हो जाता है लोग उसको ज़्यादा डिमांड भी लोगों में उसकी होती है विथ पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड इंक्रीजिंग इंडस्ट्रलाइजेशन द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स हैव बिकम मोर डाइवर्स एंड देयर इज नाउ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कन्वीनियंट फूड्स फ्रेश एंड मोर नेचुरल फूड्स सेफ एंड हेल्दियर फूड्स एंड फूड्स विथ एडिकुट शेल्फ लाइफ अब देखो समय के साथ साथ क्या हुआ है ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पहले उतना संसाधन नहीं थे लोगों के पास एक जगह से दूसरे जगह तक आने जाने की सुविधा नहीं थी फूड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी लेकिन अब क्या हो गया है अब ट्रांसपोर्ट हमारा इम्प्रूव हो गया है ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो गया है और हमारा कम्युनिकेशन जो है वो भी और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है ठीक है हम अब लोगों से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से बातचीत कर सकते हैं इंडस्ट्राइजेशन औद्योगिकरण भी बड़ा है और इसी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं जो इन फूड्स को यूज़ करते हैं उनकी डिमांड भी क्या हो गई है डाइवर्स हो गई है ठीक है वो अब डिफरेंट टाइप के फूड्स की मांग करते हैं क्योंकि अब उनको डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू डिफरेंट फूड्स के बारे में पता चलता है जैसे आपको टीवी में पता चला कि अचार कैसे ये कौन सी कंट्री में कौन सा खाना खाया जाता है कौन से स्टेट में कौन सा खाना खाया जाता है और फिर उसमें कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं कैसे आप एक अच्छा खाना प्रिपेयर कर सकते हो तो इससे क्या हो रहा है लोगों में डिमांड बढ़ रही है फ़ूड की ठीक है वो लोग लो क्या कर रहे हैं अब फूड की डिमांड को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं फ़ूड की और फूड कैसा लोग चाहते हैं कि वो जो फूड हो वो फ्रेश हो और नेचुरल हो ठीक है उसके साथ साथ सेफर भी हो मतलब सेफ फूड हो कोई उसमें गंदगी ना हो कोई ख़राबी ना हो हेल्दियर हो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अच्छा हो कि हमारी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो और फूड ऐसा भी होना चाहिए जो लंबे समय तक चले जल्दी ख़राब ना हो ठीक है कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी फूड विथ रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैनी टाइम हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ एंड टेस्ट टेक्सचर, कंसिस्टेंसी वाइल बेंग शेल्फ स्टेबल एंड ईजी टू पैकेज स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट अब कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कंज्यूमर ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमें जो फ़ूड मिले वो उसकी क्वालिटी कैसी हो अच्छी हो और उसके साथ साथ उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अच्छा हो मतलब उसमें खूब न्यूट्रिएंट्स हों उसके बाद और बहुत समय बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर्स ये भी देखते हैं कि फ़ूड की टेस्ट कैसी है ठीक है फ़ूड का टेस्ट कैसा है फ़ूड में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं फूड का टेक्सचर कैसा है देखने में जो फूड है वो कैसा है ठीक है और उसकी शेल्फ़ लाइफ मैंने बताया ना कि वो कितने लंबे समय तक टिक सकता है पैकेज मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना उसको आसान है आराम से उसको रखना बहुत आसान है स्टोर करना आसान है ठीक है तो ये सारी चीज़ें एक कंज्यूमर देखता है एक कस्टमर देखता है वो सिर्फ अब टेस्ट या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं देखता वो टेस्ट 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 को भी देखता है वो खाने की कंसिस्टेंसी को भी देखता है कि खाने का टेक्सचर कैसा है वो फूड देखने में तो अच्छा है कि नहीं फूड की लाइफ कैसी है वो कितने लंबे समय तक रह सकता है कितने लंबे समय तक हम उस फूड को यूज़ कर सकते हैं उसके बाद कंज्यूमर ये भी देखता है कि फूड का पैकेजिंग अच्छी हुई है कि नहीं अच्छे से उसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं ऐसे डिब्बे में ऐसे पैकेट में वो है कि नहीं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना आसान है कि नहीं ठीक है दिस हैज सर्व्ड एज अ स्टिमुलस टू साइंटिस्ट to develop methods and techniques to process food in a manner that the food products will meet the requirements and demands of the consumers. अब ये जो सारी demands थी ना consumers की कि taste अच्छा हो, consistency अच्छी हो, packaging अच्छी हो। इन सबने क्या किया scientists को एक stimulus दिया, ठीक है scientists को एक motivation दिया कि वो ऐसी टेक्निक को विकसित करें ऐसी टेक्निक्स को लाएं जिसके थ्रू फूड्स की जो फूड्स को ऐसे तरीके से बनाया जाए फूड को इतने अच्छे तरीके से बनाया जाए कि कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को और डिमांड्स को पूरा किया जा सके ठीक है तो साइंटिस्ट भी ये कोशिश करने लगे उसके बाद कि ऐसी तकनीक लाई जाए इस तरीके से फूड को बनाया जाए कि जितने भी कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं जैसी डिमांड कर रहे हैं जो जो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके ठीक है ऑल ऑफ अस ईट रेडीमेड फूड्स हम लगभग हमें से हर कोई रेडीमेड फूड खाता ही खाता है किसी न किसी फॉर्म में ठीक है आप नमक खाते हो डेली यूज़ करते हो आप नमक घर में नहीं बना सकते आप उसको रेडीमेड ही यूज़ करते हो मसाले यूज़ करते हो वो भी रेडीमेड यूज़ करते हो दिस रेंज फ्रॉम बिस्किट ब्रेड्स पिकल्स पापर्स टू फूड सच एज रेडी टू ईट करीज मीट आइटम मील आइटम्स स्नैक्स एक्सेट्रा अब क्या है जो हमारे ये रेडीमेड फूड्स हैं उसमें ब्रेड बिस्किट अचार पापड़ स्नैक्स और भी जो मील आइटम्स जो कि खाना बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब आ जाते हैं ठीक है सच फूड्स एंड अदर आर मैनुफेक्चर यूजिंग अ वाइटी ऑफ प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी अब आपने कभी सोचा है कि ये जो बिस्किट ब्रेड अचार पापड़ ये सब बन रहे हैं जो स्नैक्स वगैरह बन रहे हैं इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है इनको बनाने के लिए बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ठीक है फॉर सम सिंपल ट्रेडिशनल मैथड्स आर स्टिल यूज वाइल्ड न्यूअर प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज आर एम्प्लॉयड टू प्रो प्रोड्यूस प्रोसेस्ड फूड इन बर्क अब अभी ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ नहीं हो रहे हैं आपने देखा होगा कि गांव में अभी भी औरतें अचार पापड़ बनाती हैं तो वो लोग क्या कर रही हैं उनके पास तो कोई इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती नहीं है वो क्या करती हैं अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करके ही अचार पापड़ बना रही हैं तो ये फूड्स जो होते हैं वो टेक् ट्रेडिशनल मैथड से भी बनाए जा रहे हैं आज भी लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम फूड को बर्क में यानी कि थोक में बहुत कम समय में बना सकते हैं और इससे लोगों को रोज़गार भी मिला है तो फूड प्रोसेसिंग के थ्रू आप देखोगे कि हम फूड को क्या कर सकते हैं बर्क में यानी कि थोक में बहुत सारा फूड कम समय में बना सकते हैं और इससे लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिले हैं ठीक है तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है क्यों इम्पॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड फ्रॉम एन एग्रो डेफिसिट टू एन एग्रो सरप्लस कंट्री क्रिएटिंग नीड फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्ट्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया पहले कैसी कंट्री थी एक डेफिसिट यानी कि खेती उतनी ज़्यादा यहाँ पे होती नहीं थी बहुत पुराने समय की बात हो रही है लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया एक कृषि प्रधान देश हो गया है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी खेती होती है इस वजह से फूड को स्टोर करना और उसकी प्रोसेसिंग करना इसकी डिमांड क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर की फील्ड में और हॉर्ट्रीकल्चर की फील्ड में हॉर्ट्रीकल्चर क्या होता है बागवानी तो इंडिया अब क्या है एक एग्रो सरप्लस कंट्री बन गई है अब इंडिया में खेती बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए फूड के स्टोरेज की फूड के प्रोसेसिंग की डिमांड भी बढ़ती जा रही है इंडियन फूड इंडस्ट्रीज हैज़ दस इमर्ज एज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रोसेस्ड फूड एंड रैंक्स फिफ्थ इन टर्म ऑफ साइज कंट्रीब्यूटिंग नियरली सिक्स ऑफ जी अब इंडिया में आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं तो जो फूड इंडस्ट्रीज़ है इंडस्ट्री है वो इन सब इंडस्ट्रीज़ में पाँचवें रैंक पे आती है ठीक है पाँचवें नंबर पे हमारी फूड इंडस्ट्री आती है ठीक है इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से पाँचवें रैंक पे हमारी फूड इंडस्ट्री है ठीक है और ये हमारी जीटीपी का में सिक्स परसेंट का योगदान देती है हमारी जीडीपी में सिक्स परसेंट का योगदान कौन देता है इंडियन फूड इंडस्ट्री बिसाइड्स चेंजेस इन लाइफ स्टाइल इंक्रीजिंग मोबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन हैव इंक्रीज द डिमांड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेकिंग द रिसर्च फॉर न्यूअर टेक्नोलॉजी नेसेसरी अब ये सारी चीज़ें हैं हमारी फूड इंडस्ट्री अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है लगातार हमारा लाइफ स्टाइल हो क्या हो रही है चेंज होती जा रही है ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है इसी वजह से नई नई टेक्नोलॉजीज़ की डिमांड भी बढ़ती जा रही है नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना भी ज़रूरी हो गया है क्यों ज़रूरी हो गया है कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ने के साथ साथ फूड की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है लोग डिफरेंट टाइप के फ़ूड प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं और इन फूड फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फर्दर और जनवरी सॉरी फोर्टीन जनवरी टू थाउजेंड टेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क टू बूस्ट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया अब गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने भी ये जो फ़ूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया उसने क्या किया फ़ोर्टीन जनवरी टू थाउजेंड टेन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया कि फूड प्रोसेसिंग पार्क्स बनाए जाएंगे मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स बनाए जाएंगे जहाँ पे फूड को प्रोसेस किया जाएगा ठीक है इससे ये क्यों किया गया ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जा सके ठीक है इट इज़ वेल नोन दैट सिंपल डाइट्स बेस्ड लार्जली ऑन स्टेपल फूड्स सच एज सैरल्स एंड ऑफन डेफिशेंट इन सर्टन न्यूट्रियस लीडिंग टू डेफिशेंसी डिजीज अब हम ये जानते हैं कि अगर हम सिंपल डाइट लेते हैं सिंपल खाना खाते हैं तो उससे हमें एक सीमित मात्रा में ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ठीक है तो जो भी हमारी बॉडी की नीड्स हैं जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमें सिंपल डाइट से नहीं मिल सकते तो हमें अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा सिंपल खाना हम नहीं खा सकते खाने को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाया जा सके अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं बढ़ाया गया खाने को खाने का तो क्या हो जाएगा लोगों में बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बहुत सारी डिजीज़ भी हो जाएंगी ठीक है देयरफॉर फूड फोर्टिफिकेशन इज़ डन बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट्स दैट इज लैकिंग इन द फूड स्टफ और कॉन्डीमेंट्स टू इंश्योर दैट मिनिम मिनिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट अब इसी वजह से फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है अब फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है फूड फोर्टिफिकेशन uh, को हिंदी में कहते हैं खाद्य प्रबलीकरण मतलब इसमें क्या किया जाता है फूड को और ज़्यादा न्यूट्रिशस बनाया जाता है ठीक है फूड में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाया जा सके ठीक है और जब उसके उसको फोर्टिफाई कर दिया जाएगा फ़ूड को फोर्टिफाई कर दिया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी लोगों की न्यूट्रिशनल नीड्स को भी पूरा किया जा सकेगा ठीक है जैसे एग्जाम्पल है आयोडाइज सॉल्ट आप देखते हो नमक ख़रीदते हो उस पर लिखा होता है पैकेट पे आयोडीन युक्त नमक आयोडीन युक्त नमक मतलब मतलब उस सॉल्ट में आयोडीन अलग से मिलाया गया है तो आयोडीन जो ये मिलाया गया है ना नमक में इसी को कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन फूड को थोड़ा सा फोर्टिफाई किया गया है सॉल्ट को फोर्टिफाई किया गया आयोडीन मिला के ठीक है सॉल्ट को फोर्टिफाई किया गया उसमें आयोडीन मिला के ठीक है सॉल्ट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाया गया ठीक उसी तरह फोलिक एसिड मिलाया जाता है आटे में विटामिन ए होता है ऐड होता है ऑयल्स में क्यों ऐड होता है ताकि इनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाया जा सके जो लोग इनको खाएं जो लोग इनको कंज्यूम करें उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल जाए ठीक है तो आई होप आपको फूड फोर्टिफिकेशन समझ में आया होगा फोर्टिफिके फूड फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस में किसी भी फूड को फोर्टिफाई किया जाता है यानी कि किसी भी फूड में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाते हैं जिससे उस फूड का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या हो जाए बढ़ जाए इंक्रीजिंग प्रिवलेंस ऑफ डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़ And concerns about wellness has made it necessary for scientists to alter the nutrient content of food. For example, reducing the calories content of processed food in several way such as using artificial sweetener. अब देखो, आपको पता है समय के साथ साथ लोगों में बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं. आजकल heart disease, diabetes बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय भी बना है. ठीक है तो इसीलिए फूड में से कुछ न्यूट्रिएंट्स को कम करना भी ज़रूरी है जैसे आपने देखा होगा फूड की कैलोरी को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मतलब उसको अलग से कुछ उसमें मीठा मिला दिया जाता है जिससे क्या हो जाए उसकी मिठास भी बढ़ जाए और कैलोरी ज़्यादा ना बढ़े क्योंकि ज़्यादा कैलोरी से हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है हमें हार्ट डिजीज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो साइंटिस्ट अब ऐसा भी कर रहे हैं कि फूड के न्यूट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस को एकदम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो जरूरत से कम भी ना हो ठीक है लाइक वाइज फैट फ्रॉम आइसक्रीम इज रिप्लेस्ड बाय स्पेशली ट्रीटेड प्रोटीन विच गिव आइसक्रीम द स्मूद टेक्स्चर एसोसिएटेड विथ फैट बट द एनर्जी वैल्यू इज रिड्यूस्ड आपको पता है कि आइसक्रीम से अगर आइसक्रीम जैसे बनती है वैसे अगर नॉर्मल आइसक्रीम हम खाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं ठीक है एनर्जी उससे हमें बहुत ज़्यादा मिलती है तो इस एनर्जी लेवल को थोड़ा सा मेनटेन करने के लिए आइसक्रीम तो में से क्या कर दिया जाता है फ़ैट को हटा दिया जाता है ठीक है हमें पता है हमें एनर्जी किससे मिलती है फैट से मिलती है वसा से हमें ऊर्जा मिलती है तो इस एनर्जी को कम करने के लिए आइसक्रीम्स में से फैट को हटा दिया जाता है ठीक है और इसके लिए कुछ ऐसे प्रोटीन्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं ठीक है जिनको हम साइंटिस्ट बनाते हैं लैब में बनाए जाते हैं इन प्रोटीन्स को आइसक्रीम में मिला दिया जाता है जिससे आइसक्रीम का स्ट्रक्चर भी बहुत टेक्सचर भी बहुत स्मूथ हो जाता है मतलब आइसक्रीम बहुत स्मूथ लगती है खाने में और इसकी एनर्जी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाती है ठीक है तो आइसक्रीम में क्या किया जाता है फैट को कम कर दिया जाता है और आर्टिफिशियल प्रोटीन को उसमें मिला दिया जाता है ऑल्सो कंज्यूमर्स परसेप्शंस अबाउट फूड हैव चेंज अब आज समय के साथ साथ कंज्यूमर्स का जो फूड के लिए धारणा थी वो भी क्या हो गई है बदल गई है

फूड को प्रिजर्व करते हो किसी स्टोरेज में रखते हो तो आपको उसमें केमिकल कुछ मिलाने ही पड़ते हैं ताकि उनको कीटाणुओं से बचाया जा सके तो इन जो कीटाणुनाशक हैं इनसे भी फ्री हो हमारे फूड्स फूड में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स को यूज़ न किया गया हो और इनके साथ साथ फूड की जो शेल्फ लाइफ हो वो भी कैसी हो लंबी हो मतलब लंबे समय तक हम फूड को क्या कर सके यूज़ कर सके ऐसा कौन चाहता है कंज्यूमर्स चाहते हैं कस्टमर्स चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि फूड का जो नेचुरल फ्लेवर है वो बना रहे फूड की अपियरेंस फूड का टेक्स्चर भी क्या हो अच्छा हो ठीक है ऑल दिस हैज़ इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी एज अ डिसिप्लिन

जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे फूड टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए फ़ूड को प्रोसेस कर करने के लिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जिनको अच्छे से पता हो कि कैसे फ़ूड को प्रोसेस करना है किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है ठीक है तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम फूड साइंस के बारे में पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे फूड टेक्नोलॉजी के पा बारे में पढ़ेंगे इनका कुछ बेसिक जान जानकारी लेंगे कि ये आखिर होते क्या है इनका मतलब क्या होता है ये जो कुछ टर्म लिखी हैं इनका मतलब क्या है ठीक है तो इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा इंफॉर्मेटिव लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग